दोस्तों ये है जेब्रोनिक्स का पावर बैंक जो कि एक 10,000 mAh का पावर बैंक है और ये बहुत ही कमाल का है क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको और किसी पावर बैंक में नहीं मिलेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जेब्रोनिक्स के इस पावर बैंक की करेंगे अनबॉक्सिंग और देंगे आपको एक क्विक रिव्यू। तो जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक देखते रहिए। मेरा नाम है दीपक और डीके टेक हिंदी की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीचे दोस्तों आपको लाइक का बटन मिल जाएगा उसे दबा के उसे नीला कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आप बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है जेब्रोनिक्स पावर बैंक का बॉक्स। यहाँ पे जो मॉडल है वो है जेब MC 10,000 LD और यहाँ पे दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखी है जो हाईलाइट की गई है। 10,000 mAh की बैटरी मिल जाती है, यहाँ पे LED टॉर्च मिल जाती है, डुअल USB मिल जाता है, डिजिटल LCD डिस्प्ले मिल जाती है, आउटपुट मिल जाता है 1 ampere और 2.1 ampere का और फ्लेक्सीबल टॉर्च यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे दोस्तों पीछे की साइड देखें तो पीछे की साइड यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और वही हाईलाइट स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे दोस्तों जो प्राइसिंग है वो है लगभग 2000 की यहाँ पे प्राइसिंग रखी गई है इस पावर बैंक की। और यहाँ पे दोस्तों आप इस बॉक्स को कर लेते हैं अनबॉक्स और देख लेते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस बॉक्स को हम खोल लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें मिलता है ये पावर बैंक। तो पावर बैंक रख देते हैं अभी साइड में। यहाँ पे दोस्तों हमें मिल जाती है माइक्रो USB केबल जिसके द्वारा हम जो है इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये केबल के साथ कोई चार्जर नहीं दे रखा, बस ये केबल मिलती है हमें और इसके साथ यहाँ पे मिलता है हमें यूज़र मैनुअल और उसके साथ यहाँ पे वारंटी कार्ड भी यहाँ पे इसी में ही मिल जाता है। और अब देख लेते हैं दोस्तों अपने पावर बैंक को कि किस तरीके का पावर बैंक हमें मिल जाता है। दोस्तों ये है जेब्रोनिक्स का पावर बैंक जो कि 10,000 mAh का पावर बैंक है। तो इसका दोस्तों ओवरव्यू हम दे देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें मिल जाती है LCD डिस्प्ले और यहाँ पे हमें मिल जाता है पावर बटन जिसके द्वारा हम जो है इसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सामने की तरफ लिखा है टाइम टू पावर अप, तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। प्लास्टिक बॉडी है लेकिन जो यहाँ पे डिज़ाइन है वो बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे लगता है। यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाती है डुअल USB स्लॉट जिसके द्वारा दोस्तों आप जो अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे दो फ़ोन आप एक साथ चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है माइक्रो USB स्लॉट जिसके द्वारा आप जो है इस पावर बैंक को यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों पीछे की साइड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जैसे इनपुट यहाँ पे दिया गया है 5V 2 ampere, आउटपुट दे रखा है 5V 2.1 ampere, कैपेसिटी दे रखी है 10,000 mAh की। और दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दे रखी है 12/2018 की। और यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है और यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ खास चीज़ दे रखी है। यहाँ पर है यहाँ पे इसकी टॉर्च जो कि एक फ्लेक्सिबल टॉर्च है। तो इसे मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल टॉर्च दे रखी है और इसे ऑन करने के लिए आपको पावर बटन को 2 बार यहाँ पे प्रेस करना होगा। तो हम 2 बार यहाँ पे प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो अच्छी खासी यहाँ पे टॉर्च दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी है इसकी और अंधेरे में अगर आप इसका यूज़ करोगे तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस आपको दिख जाएगी, बहुत ही अच्छी लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों ये जो फ्लेक्सिबल टॉर्च है ये इसका बैकअप बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि 10,000 mAh की तो बैटरी इसमें लगी हुई है। दोस्तों कुछ इस तरीके का यहाँ पे पावर बैंक है। अब दोस्तों इस पावर बैंक की फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस जेब्रोनिक्स पावर बैंक में आपको मिल जाती है लिथियम बैटरी जिसकी कैपेसिटी है 10,000 mAh की। यहाँ पे आपको मिल जाता है माइक्रो USB स्लॉट इनपुट के लिए, यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है 12 USB स्लॉट। यहाँ पे इनपुट के लिए जो वोल्टेज है वो है DC 5V 2 एम्पियर और आउटपुट मिल जाता है यहाँ पे DC 5V 1 एम्पियर एंड 5V 2.1 एम्पियर का। यहाँ पे चार्जिंग टाइम लगभग मिल जाता है आपको 5 से 6 घंटे का। यहाँ पे LCD डिस्प्ले मिल जाती है, प्लास्टिक यहाँ पे बॉडी मिल जाती है। यहाँ पे दोस्तों ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन मिल जाता है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन मिल जाता है, ओवर लोडिंग प्रोटेक्शन मिल जाता है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों इस पावर बैंक का जो वेट है वो है 281
ग्राम का। दोस्तों जेब्रोनिक्स के इस पावर बैंक को मैं कई दिनों से यूज कर रहा हूँ। इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसकी बॉडी जो है वो प्लास्टिक की है, लेकिन यहाँ पे आपको जो डिजाइन मिल जाता है वो बहुत ही प्रीमियम मिल जाता है। यहाँ पे जो फीचर हैं वो बहुत ही कमाल के हैं, जैसे LCD डिस्प्ले, यहाँ पे जो टॉर्च मिल जाती है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे ओवरऑल मैं बताऊँ तो यहाँ पे मुझे पावर बैंक बहुत ही कमाल का लगा। और दोस्तों अगर आप इस पावर बैंक को परचेस करना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से इस पावर बैंक को परचेस कर सकते हो। दोस्तों मुझे कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा कि ये पावर बैंक आपको कैसा लगा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों हमारे बेल आइकन को दबाकर आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की सभी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।